गवर्नमेंट साबिर बैठ इजाजत दो वाशी कदल वाशी कदल बेटा सेंटर आप कुछ और इजाजत दो बेटा सेंटर बोल दो बेटा सेंटर बोल दो इजाजत दो मार दो बेटा सेंटर डबल भाई साहब क्या करेंगे फिटनेस की इजाजत दो फिटनेस की इजाजत दो फिटनेस की इजाजत दो फिटनेस की इजाजत दो बंद करो इसको सामने लेके आओ तीन गवर्नमेंट हाय हाय ये ज्यादती नहीं चलेगी ये ज्यादती नहीं चलेगी ये ज्यादती नहीं चलेगी ये ज्यादती नहीं चलेगी तीन गवर्नमेंट हाय हाय माशी कतल बंद करो इजाजत दो थोड़ा पीछे से बैनर उठा लो बैनर ऊपर डालो वाशी कदल मिडल सेंटर वाशी कदल मिडल सेंटर तीन गवर्नमेंट हाय हाय तीन गवर्नमेंट हाय हाय तीन गवर्नमेंट हाय हाय वाशी कदल बंद करो दादा दो मार दो मिडल सेंटर बोल दो मिडल सेंटर बोल दो मिडल सेंटर बोल दो वाशी कदल बंद करो तीन गवर्नमेंट हाय हाय तीन गवर्नमेंट Why you are protesting? Because last 5 months people deserve job, and this is bad not only for these people who protest now. This is bad for city Karachi, and this is bad for full Pakistan. In my country also bad situation with coronavirus, but it was locked down only 1 month. Before this, government create new rules, new standards, sanitary standards for gym. And then gym open. And now this is not zone, dangerous zone for coronavirus infection. Now this has become a very good prevention method to coronavirus infection because exercise, gym training, this is a very good for high immunity people and training cardiorespiratory system. So I think 1 more month lockdown for gym this is not good idea, and I recommend create some new rules, some new standard, and open gym and give chance these people to job and give chance to all people to health lifestyle. क्यों एहतजाज कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जिम बंद है 5 महीने से, घर का रेंट नहीं दे पा रहे, घर का लैंडलॉर्ड आता है वो तंग करता है, घर के बिल नहीं दिए वहाँ की लाइट कट गई, उसके बाद फिर जिम के बिल नहीं दिए, जिम का लैंडलॉर्ड आता है वो तंग करता है जिम, फिर जिम के बिल नहीं भरो तो एसी वाले लाइट काट जाते हैं, स्कूल की फीस नहीं भरी बच्चों की तो उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, ऑनलाइन क्लासेस में बैठने नहीं दिया, तो भाई इसलिए रोड पर आ गए। अब बात ये है कि या तो आप इजाज़त दे दें जिम खोलने की, हमको पक्की नहीं है, हम अपने राइट्स पे हैं और हम हक मांग रहे हैं अपना, आप या तो हमें इजाज़त दे दें या खुद आएँ और हमें मार दें हमारा गलत अब आगे।
हम वही स्टार हैं, हम वही लड़के हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, जिनके लिए पाकिस्तान का झंडा दूसरी कंट्री में लहरा कर आए। मैं वही हूँ भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, या तो आप जिम खोल दो या मुझे आके मार दो मेरा गला दबा, तो अगली दफ़ा आपके मुल्क का झंडा लहराने वाला एक और ख़त्म हो गया। मैं सिंध की बेटी, मैं अजरक कोड़े आज बिलावल भुट्टो साहब से दरख्वास्त करती हूँ हाथ जोड़े कि खुदारा हमारे जिम्स खोलें। बहुत से हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस फील्ड से हैं, अगर जिम्स नहीं खुले हम SOPs का बहुत ख्याल रखेंगे, जैसा आप कहेंगे हम उन तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए जिम को ओपन करेंगे। आप हमें इजाज़त दें ताकि तमाम बच्चे अपने जिम पर जा सकें। अगर इस तरह नहीं होगा, अगर हम नहीं जिम खोलेंगे तो या तो आप हमारे बच्चों को खुदा के मार दें, हमें भी मार दें।